हेलो एवरीवन, एक नया अपडेट आ चुका है एफएल स्टूडियो मोबाइल का और ये काफ़ी बड़ा अपडेट है। इसमें 19 MB का अपडेट दे दिया है और इसमें क्या क्या न्यू फीचर ऐड किए गए हैं हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में इसका चेक करेंगे। पहले यहाँ पे आप देखो फिक्सेड लूप पॉइंट्स इन साइंट वेक्स EXP, इसे ही भैया ऐड किया गया है। और इसमें जो वेस वगैरह रहता है जो ड्रॉप करने के लिए, उसे ही यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा है अपडेट, काफ़ी बड़ा अपडेट है। जैसे ही आप नीचे स्लाइड करेंगे तो इसका वर्जन देख सकते हो, 4.3.19 इसका अपडेट आ चुका है और 19 MB 57 KB का है। तो काफ़ी बड़ा अपडेट है। यहाँ पे कुछ मिडी वगैरह जो लोग बजाते हैं इसमें कंट्रोल करके, उसे भी कंट्रोल किया गया है। तो आप देख सकते हो पूरा सेक्शन। तो सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपको जो नया फ्यूचर इसमें ऐड किया गया है उसे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो भी उसमें रहेगा आप मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या है, आप जो ड्रॉप बनाते हो, बेस बनाते हो, किक के नीचे डालते हो, तो उसी टाइप का इसमें बेस ऐड किया गया है। तो जो मिक्सिंग में काफ़ी यूजफुल होगा और हम लोग अलग अलग से लूप से या फिर डालते हैं तब जाके बना पाते हैं। तो यहाँ पे एक सैंपल इसमें कई सारे ऐड कर दिए गए, उससे हम लोग बना सकते हैं। तो फाइनली हमारा एफएल स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं और इसमें अब देखेंगे इसमें क्या न्यू फीचर ऐड किए गए हैं। फाइनली हमारा एफएल स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें क्या ऐड किया गया है आपको वो चीज़ दिखाएंगे, आपको कहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले हमें प्लस आइकन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको डायरेक्ट वेब चूज करना है। यहाँ पर डायरेक्ट सैंपल लिखा है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे, नीचे आओगे, यहाँ पे साइंट बेस XP लिखा है, इस पर आप देख सकते हो। इस पर हम टैप कर दिए हैं और इसमें आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे बेस वगैरह ऐड किए गए हैं वो आप सारे यहाँ पे देख सकते हो। इसमें इलेक्ट्रो बेस भी दे दिया गया है। तो इसी टाइप से आप लोग यूज कर पाओगे इसे। हिप हॉप वगैरह सारा कुछ इसमें दे दिया गया, बढ़िया अपडेट है। उसके बाद हम देखेंगे और कुछ इसमें चेंज किया गया हो तो उसे भी देख लेते हैं। जो हमारा मेन इंटरफेस रहता है वो सेम है यहाँ पे, और शायद डायरेक्ट वेब में कुछ और नया इसमें ऐड किया गया हो तो इसमें हम और देख लेते हैं एक बार। बाकी सब इसमें सेम है, कलर वगैरह थोड़े बहुत डिफरेंट किए गए हैं इसमें, डार्क वगैरह। और इसमें क्या है, हम कोई बेस इसमें यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कीबोर्ड सेक्शन में कुछ अपडेट नहीं है, बाकी सब सेम ही है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा क्या अपडेट था, कैसे क्या यूज करना है। मेरी एफएल स्टूडियो से रिक्वायरमेंट है कि एफएल स्टूडियो मोबाइल में सॉन्ग का BPM चेक होने लगे, तो बस वही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्राउड फील होगा, क्योंकि BPM हम अदर एप्लीकेशन से चेक करते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, और अगर एफएल स्टूडियो मोबाइल में ही यहाँ पर चेक हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो चैनल पर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना, और एफएल स्टूडियो मोबाइल से सारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और म्यूजिक से रिलेटेड जो भी है FLP वगैरह सारा कुछ मैं देता हूं आपको, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और कुछ आपको सीखना है एफएल स्टूडियो मोबाइल में तो आपको सिखाते भी हैं यहाँ पे, धीरे धीरे वीडियो में दे रहा हूँ।